हिमालय की गोद में सतलुज और ब्यास नदियों के किनारे स्थित प्रकृति के कई अद्भुत रंगों से सजा है कुल्लू जिले के लोगों का जीवन। हिमाचल प्रदेश में स्थित जिला कुल्लू की एक खूबसूरत वैली ऑफ गॉड कहलाने वाली एक नगर पंचायत है बंजार, और यहाँ पे लोगों ने अपनी सूझबूझ, अपनी लगन और अपनी मेहनत से कई समस्याओं का हल खोजा है। कहते हैं ना कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़ सकता है। मिलकर साथ चले हैं, सभी ने अपने सपने को साकार किया है। समय का चक्र बड़ा बलवान होता है, बदलता रहता है और अपने साथ लाता है कभी खुशी तो कभी गम, भूकंप, बाढ़, भारी वर्षा, जंगलों की आग, भूस्खलन जैसी कई आपदाओं का जिला कुल्लू के लोगों को सामना करना पड़ता है। में आए भूस्खलन से मची तबाही से यहां के प्रशासन ने और लोगों ने कई अहम फैसले लिए, अपने कार्य करने के कई तरीकों को बदला और इन आपदाओं का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया। ये कहना गलत ना होगा, जहां चाह वहां राह। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बना रहता है और ऐसे में सामान्य जनजीवन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। घर बार, खेती बाड़ी, अन्य कारोबार सब नष्ट हो जाते हैं। समय रुक सा जाता है, सपनों की उड़ान धाराशायी हो जाती है, रह जाता है सिर्फ अपनों को खोने का गम। इस पानी से हमारा स्लाइड हो रही है और लोगों के मकान स्लाइड हो गए, जहाँ की बहुत लाखों का नुकसान हो चुका है। अभी आप वो के बड़े अफसर लोग आए, वो सभी देख रहे हैं कि कितना नुकसान है। भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी जैसी कई प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ भूस्खलन भी साथ में अपना कहर दिखाता है। ऐसे कई मंजर आंखों के आगे घूम जाते हैं, जिनको याद करके सिर्फ रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। स्लाइड होने की वजह से हमारे यहाँ बरसात में ये वाला रास्ता गिर गया था, फिर आने जाने में लोगों को तकलीफ होती थी, इसलिए हमने पंचायत में, ग्राम सभा में ये प्रस्ताव रखा कि हमें रास्ता बनना चाहिए। कुल्लू जिले के लगभग 80% क्षेत्र में भूस्खलन का खतरा बना रहता है। इसमें से लगभग 30% भाग में जोखिम बहुत अधिक और गंभीर है, जबकि कुल क्षेत्र का 48% भाग भूस्खलन के ऊंचे जोखिम की चपेट में है। एक मकान तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है हमारा, जो कि स्लाइड से दरारें पड़ चुकी है, जो नाले का पानी सारा बिखरा हुआ था। जिला कुल्लू भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्रों में आता है और इसके प्रमुख कारण हैं यहाँ की नाजुक प्रकृति की चट्टाने, जलवायु के खराब हालात और विभिन्न मानवीय गतिविधियाँ। इन सब का नतीजा है कि ये राज्य भूस्खलन की अनियमितता की चपेट में बना रहता है। सिस्मिक जोन होने के कारण जो है लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, जो गवर्नमेंट से हमारे को जो सर्कुलेट होती है, जो गाइडलाइंस आती है, उसी के हिसाब से हम जो है फील्ड पर काम कर रहे हैं। उसी मॉडल को देखते हुए जो है हम अपने बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर, बाकी जो क्रेट्स, सफर इत्यादि का जो है वो कार्य कर रहे हैं। काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करेगा कब। और फिर क्या, 2005 के भूस्खलन के बाद
चार पांच गांव में यानी एक वार्ड में इससे निपटने की चर्चा शुरू हुई और सबने मिलकर दृढ़ संकल्प लिया, कमर कस ली कि अब इस समस्या से निपटना पड़ेगा। हाथ पे हाथ रखे रहने से कुछ भी फायदा नहीं होगा, इरादे नेक हों तो रास्ते भी अपने आप खुल जाते हैं। चार से पांच गांव से शुरू हुई भूस्खलन से निपटने की प्रक्रिया 40 से 50 गांव में जा पहुंची, कारवां बनता चला गया। ग्राम सभा में हुई बैठकों में जिसमें सभी गांव के लोग मौजूद थे, ये निर्णय लिया कि प्रोटेक्शन वॉल का निर्माण होगा। दो अक्टूबर को हुई इस मीटिंग में प्रोटेक्शन वॉल से संबंधित पूरी जानकारी हासिल की गई। साइट इंजीनियर ने आके जगह का निरीक्षण और परीक्षण किया, तकनीकी अनुमान लगा के एक बजट पंचायत को दे दिया। अच्छा आप मटेरियल डालते हैं ना, पत्थर भी बढ़िया होना चाहिए। अच्छे वाला तो पत्थर बिल्कुल अच्छा है यहां का, हमने सीमेंट भी अच्छा डलवाया जो बने हुए हैं। और फिर सारी जानकारी के साथ पंचायत ने अपनी इच्छा ब्लॉक लेवल पर व्यक्त की। इच्छा की पूर्ति हुई और प्रोटेक्शन वॉल को हरी झंडी मिल गई। ब्लॉक लेवल के अफसर ने जिला परिषद को सूचित किया और डिप्टी कमिश्नर ने वित्तीय और प्रशासनिक अनुमोदन दे दिया। सभी स्तर पे मनरेगा के तहत प्रोटेक्शन वॉल पे कार्य करने की मंजूरी मिल गई। ये जो रास्ता था इसमें हमारे क्रेट वायर की जरूरत थी, तो हमने क्रेट वायर भी यहाँ लगाई, मनरेगा के तहत लगाया और मनरेगा के लोगों ने ये काम किया है। ये खबर मिलते ही हर एक घर हर एक परिवार खुशियों की लहर में झूमता प्रतीत हुआ। हम भी गांव-गांव में जाके लोगों को पूछते हैं, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हैं। ग्राम सभा में हर एक चीज़ पारित की जाती है, जो भी गांव वालों की समस्या है उनको हम मीटिंग में भी सुलझाते हैं, ग्राम सभा में भी सुलझाते हैं। जो भी हमारे से हो पाते हैं हम गाँव वालों के लिए करते हैं। प्रोटेक्शन वॉल को बनाने के लिए कई तकनीकी बातों को ध्यान में रखा जाता है। अब इंजीनियर्स ने वहीं पे मिलने वाले पत्थरों से और वहां के लोगों के सहयोग से काम शुरू कर दिया और समय समय पे इंजीनियर्स आके कार्य की प्रगति देखते थे। पंचायत और वार्ड के एक मेंबर की निगरानी में सारे कार्य किए जाते हैं और समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था प्रोटेक्शन वॉल का काम भी बढ़ रहा था। हमारा जो टेरेन है वो बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ पर रिसेंटली एक वर्कलोड रेस्ट हुआ था, उसमें जो है काफ़ी जो हमारा ब्यास रिवर है इसके दोनों तरफ जो है वो कुछ एक उपजाऊ मिट्टी जो हमारी चले गई थी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने जो है जगह जगह पर क्रेट्स लगाए हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर जो हमारा पूरा गाँव या कोई ज़्यादा ज़मीन जो है वो बह रही हो। प्रोटेक्शन वॉल के साथ साथ नदियों नालों और जल प्रवाहों के किनारे क्रेट वायर्स की जाल लगाई गई, इससे खेतों को सुरक्षा मिली और मिट्टी भी खेतों में बनी रही और फिर कोई नुकसान नहीं और खेतों में हरियाली ही हरियाली। अब न किसी को अपने घर की चार दीवारी के टूटने का डर, न किसी अपने को खोने का भय। अब सब ने सपनों की नई उड़ान भरना शुरू किया। ज़्यादातर मेरे वार्ड से लोगों ने टैंक पानी पर ज़्यादा समस्या रखी, यहाँ पे फिर हमने यहाँ टैंक बनवाए। मेरे यहाँ पे कम से कम 12-14 टैंक बने हैं। समय तो अपनी गति से चलता रहता है और अब इस बार खुशियों का अथाह सागर लेकर आया। अनेक विकास की परियोजनाओं की शुरुआत की गई और परिणाम स्वरूप प्रगतिशील जिले की नींव रखी गई। हमारी पंचायत ने वर्ष 2012-13 में 50 लाख तक का काम किया, जिसमें पर्सनल टैंक बनाए गए, सड़कें बनाई गई और कुल्लों का विकास हुआ, जिससे कुल्लों से लोगों को अच्छे से रोज़गार मिला, लोगों ने सब्जियों उगाई, लोगों के बाग बगीचों का काम किया जिसमें फल बहुत अच्छे हुए और उससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो गई। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशि का 100% उपयोग उचित तरीके से किया जाता है। सभी खर्च नियमों के अनुसार दर्ज किए जाते हैं
और क्षेत्र के निवासी इनकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। इन प्रयासों से आम जनता का पंचायती राज संस्थाओं पर भरोसा बना है, जिससे वे विकास कार्यों को पूरा करने में अपना सहयोग देते हैं। क्षेत्र में आने जाने की समस्या को देखते हुए जिला पंचायत ने कच्ची सड़कों को पक्का करने तथा सुविधाजनक पगडंडियां बनाने का काम बड़े पैमाने पर किया। चार पांच सालों से पहले यहाँ सड़क नहीं थी, अब यहाँ पर सड़क आ गई है और यहाँ पर चलने के लिए अच्छा हुआ। नहीं तो हमारे को ऊपर से आने से आधा एक घंटा पौना घंटा लग जाता था यहाँ से नीचे आने तक, और जब बीमार होते थे उनको उठा के लाना पड़ता था। अब ऊपर तक गाड़ी आ जाती है, हमारा राशन का सामान भी ऊपर गाड़ी में चला जाता है। अब कई जगहों पर छोटी नहरों या जल धाराओं को पार करने के लिए पुलिया बनाने का निर्णय लिया गया, जिससे रास्ता छोटा और सुविधाजनक हो गया है। सर्दी में हमारे यहाँ यानी कि बड़ी बहुत भारी बारिश हुई। बारिश के कारण ऊपर वहाँ एक पत्थर था, बहुत बड़ा पत्थर था, वो पहले वहाँ लकड़ी का पुल था, वो लकड़ी का पुल होने का ऊपर पत्थर गिर गया, पत्थर गिरने से सारा पुल गिर गया और यहाँ से हमारे कम से कम 3-4 गांव के लिए की रास्ता है, और जिससे हमारा पुल खराब हो गया। और पुल खराब होने के बाद हमारे जिला परिषद के हमारे जो मेंबर उनके पास गए, उन्होंने यहाँ के लिए कुछ पैसे दिए और कुछ हमने पंचायत फंड का पैसा लगाया, जिससे हमने इस पुल का निर्माण कर लिया है। कुल्लू जिला पंचायत ने अपने जनहित के कार्यों से न केवल स्थानीय निवासियों के जीवन को सुविधाजनक बनाया है, बल्कि प्रदेश में अपनी एक महत्वपूर्ण जगह भी बनाई है। अधिक ऊंचाई पर होने के कारण खेतों में फसलों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना मुश्किल है, साथ ही पीने की पानी की समस्या भी गंभीर है। दूर दराज के जल स्रोतों से पीने का पानी लाना एक मेहनत और मशक्कत भरा काम है। फसलों की सिंचाई के लिए और पीने के लिए पानी की समस्या को देखते हुए जिला पंचायत ने अनेक गांवों में पक्की व्यवस्था करने की योजना बनाई है। सबसे पहले तो हम सरकार के बहुत आभारी हैं, क्योंकि जो मनरेगा जो स्कीम चलाई है, इससे जो लोगों का पैसे की कमी महसूस नहीं हो रही है, और जैसे कि गाँव के हमारे अपने आदमी हैं उनको रोजगार मिल रहा है, दूसरी जगह काम करने के लिए नहीं जाना पड़ रहा है। हर पंचायत में मनरेगा के अंतर्गत पैसा आया और उसे जो है इलाके का विकास अच्छा हुआ। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू जिला पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर एक आदर्श पंचायत होने का गौरव प्राप्त है। इसे अपने शानदार कार्य और सफलताओं के लिए वर्ष 2014 के राजीव गांधी सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा जिला परिषद को ये प्रतिष्ठित सम्मान लगातार तीसरी बार प्राप्त हो रहा है। पुरस्कार स्वरूप 40 लाख रुपए की नकद धन राशि प्रदान की जाती है, जिसे कुल्लू जिला पंचायत ने ग्राम विकास के लिए प्रयोग में खर्च किया। रोजगार के नए साधन खुले। आमदनी बढ़ी, जिंदगी जीने के स्तर में बढ़ोतरी हुई। और यहां के लोगों ने यह सिद्ध कर दिया कि सोच से संभावनाओं का सफर हौसलों से होकर गुजरता है।